शारदीय नवरात्रि पर प्रसिद्ध देवास टेकरी माता मंदिर पर सुबह से ही माँ चामुंडा माँ तुलजा भवानी के दर्शन के लिए भक्तों की कतार लग रही है। ऐसी मान्यता है कि माताओं की दोनों मूर्तियां स्वयं भू है और जागृत स्वरूप में है। सच्चे मन से यहाँ जो भी मन्नत मांगी जाती है वह हमेशा पूरी होती है। विद्वानों के अनुसार देवी के 52 शक्तिपीठ में से माँ चामुंडा तुलजा दरबार को एक शक्तिपीठ के तौर पर माना जाता है। हालांकि ऐसा बताया जाता है कि देश के अन्य शक्तिपीठों पर माता के शरीर के हिस्से गिरे थे, लेकिन यहाँ टेकरी पर माता का रुधिर गिरा था। इस कारण माँ चामुंडा का प्राकट्य यहाँ हुआ। चामुंडा को 7 माताओं में माना जाता है। तुलजा भवानी की स्थापना मराठी राज परिवारों ने करवाई थी। मराठी राजाओं की ये कुलदेवी मानी जाती है। शारदीय नवरात्रि को लेकर शहर भर में 100 से अधिक स्थानों पर सार्वजनिक रूप से दुर्गा प्रतिमा की स्थापना होगी, जिसके लिए अलग अलग आकारों में पंडालों को सजाया गया है। प्रशासन ने भी सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर ली है। अब शहर चुनावी गर्मी से हटकर भक्ति रूपी देखने को मिलेगा। देवास से ब्यूरो की रिपोर्ट। बताइए भैया, कौन सा स्थान है और आज से कौन सा पर्व शुरू हुआ? आज नवरात्रि पर्व प्रारंभ हुआ है। माँ तुलजा भवानी का स्थान है देवास मध्य प्रदेश से, और यहाँ पर लाखों श्रद्धालु 9 दिनों में दर्शन का लाभ लेते हैं। यहाँ पर माताओं बहनों की गोदी भराई जाती है और यहाँ पर लाखों श्रद्धालु 9 ही दिन दर्शन का लाभ लेते हैं। क्या विशेष पूजा पाठ? यहाँ से विशेष पूजा पाठ ये है कि घट स्थापना आज अभी 6:30 बजे के बाद से होगी, कि समय 6:30 से 10:30 बजे तक का है घट स्थापना का, उसके बाद घट स्थापना होगी। और इसी प्रकार नवरात्रि का यहाँ पर अलग ही महत्व रहता है। 9 देवियों की हम पूजा करते हैं। माँ तुलजा भवानी, माँ चामुंडा महारानी टेकरी पर अधिक संख्या में लोग आते हैं, दूर दूर से श्रद्धालु भक्तगण आते हैं। यहाँ पर गोदी भराई जाती है, काफ़ी संख्या में लोग आकर यहाँ पर बहुत श्रद्धा है माता की मानते हैं। यहाँ रक्तपीठ भी माना जाता है और शक्तिपीठ भी माना जाता है, तो उसी प्रकार से यहाँ लाखों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। 9 दिनों में लाखों में करोड़ों में भी संख्या यहाँ पर पहुँच जाती है। यहाँ पर संडे, पंचमी, सप्तमी और अष्टमी का अधिक महत्व रहता है। अष्टमी के लोग रोज, लाखों लोग यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। आज भी आप देख रहे हैं, आज भी आप जैसे कि देख रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या है। इसी प्रकार से रोज यहाँ पर संख्या बढ़ती जाती है, यहाँ कभी संख्या कम नहीं होती। रोज महाआरती भी, रोज प्रारंभ होगी, सुबह शाम होगी। सुबह 4:40 का टाइम है और शाम को 6:30 बजे का टाइम है। ठीक है, आपका नाम बताओ? विनायनाथ पुजारी।